हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बिना। पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गुरुवे नमः। तो आज है भगवद गीता का लास्ट चैप्टर वन का लास्ट श्लोक, जो कि है श्लोक नंबर 46। तो ये श्लोक है, संस्कृत श्लोक है। संजय उवाच एवमुक्त अर्जुन शंखे रथपोष्ट उपावेशत वृषिज्य ससरम चापम शोख संविघ्न मनसा। और जब हम लोग इसके मतलब को तोड़ के पढ़ते हैं, तो फिर इसके मतलब कुछ इस तरह से है। संजय उवाच, इसका मतलब है संजय कहता है, संजय सेठ। एवं, इसका मतलब है थस। उक्त मतलब सेइंग, कहता है। अर्जुना मतलब अर्जुन। संखे, इसका मतलब है इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। रथो मतलब ऑफ द चैरियट, रथ में। उपस्थे मतलब ऑन द सीट, अपने बैठने के स्थान पे। उपविशत मतलब सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ के। वृषिज्य मतलब पुटिंग असाइड, अपने बगल में रख दिया। ससरम मतलब अलोंग विद एरोस, अपने तीरों के साथ। और चापम मतलब द बो, धनुष। शोखा मतलब बाय लेमेंटेशन, दुखी होके। संविघ्न मतलब डिस्ट्रेस्ड, व्यथित। मनः, इसका मतलब है विद इन द माइंड, उनके मन में। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। संजय सेड, अर्जुन हैविंग थस स्पोकन ऑन द बैटल फील्ड कास्ट असाइड हिज बो एंड एरोस एंड सेट डाउन ऑन द चैरियट, हिज माइंड ओवरवेलम्ड विद ग्रीव। और जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। संजय कहते हैं कि अर्जुन ऐसा कहने के बाद युद्ध के मैदान में अपने रथ में दोबारा बैठ गए और अपने धनुष और तीरों को अपने बगल में रख दिया। और वो दुख हो, अपने ही मन में दुख हो दिखा के वो भगवान श्री कृष्ण से ये सब कहता गया। तो हम लोग का पहला चैप्टर, जो कि है अर्जुन विषाद्यु, ये आज यहीं पे समाप्त होती है। और चैप्टर टू के साथ मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहे उसके लिए। अर्जुन विषाद्यु समाप्त। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।